नमस्ते साथियों, मनरेगा कानून के तहत कार्य समाप्ति के 15 दिन के अंदर किए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के चगोडर गांव के 25 मुसहरा परिवारों का 14 दिन की मजदूरी पिछले 2 माह से बकाया था। इस समस्या मैंने एक वीडियो बनाया था, आइए साथियों दिखाते हैं इस वीडियो की झलक। साहेब, हम सब 2 महीना पहले नरेगा खटत गए, सोचे कि हम सब एक बीच में त्योहार बा, हमारे सबके लड़किया बच्चन के नरेगा पैसा मिल जाए। त्योहार बीत गए साहेब, हमारे सबका लड़किया खाए भी ना मर गए। अब 14 दिन नरेगा खट के 1 रुपया हमारे सबके खाते में ना आया न मिले। तो जर बुखार होता कहाँ से दवाई करी बतावा, स्कूल जाता है तो कहाँ से नहावा तही, उन्हन की करा तही, तेल साबुन कहाँ से दे। जैसा आपने वीडियो में देखा व सुना, वीडियो बनाने के बाद मैंने समुदाय में संवैधानिक मूल्यों के तहत समुदाय को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया और समुदाय को जागरूक और संगठित करते हुए एक आवेदन पत्र तैयार किया और समुदाय के साथ जिला मुख्यालय पर जाकर जिला अधिकारी को आवेदन दिया गया और जिला अधिकारी के पहल पर इन सभी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान हो पाया, जिससे मैं और मेरा समुदाय बहुत खुश है। दिक्कत यह रहा साहेब की अथुआ 14 दिन नरेगा में काम करत गए, 14 दिन हमारे सबको पैसा नहीं मिलत रहा। वीडियो बनाए हम सभी, दरखास्त पड़ा, DM के में गए, तब जाके हमारे सबको पैसा मिला। तो पैसा मिलने का फायदा भा? पैसा मिलल तो का फायदा भाई, हमारे सबको लड़किया का देना खाए बिना मरत रहे, तेले सामने बिना स्कूल बिना कपड़ा लत्ता के ना जात रहे, लड़किया का देना स्कूल हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, खाए पिए के हो गया, दिन में सबका पैसा मिल गया। सबका पैसा मिल गया, खटे रहे, परेशानी बहुत रहा, बहुत परेशानी रहा, सोचे पैसा नहीं मिलत रहा, पैसा मिला है लड़कन के दवाई सुई है कुल की है खर्चा भवा दाल नोन है चलावत गए हम सब। अब खुश हो ना? हाँ अब खुश है। साहेब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई गया था हमारे को पैसा मिल गया। इस बदलाव से समुदाय को 70,000 रूपए का फायदा हुआ है। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं अनिल कुमार, भदोही, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर के लिए।